नंबर वाला पार्ट कैसे निकाला जा सकता है। तो जैसे हम इसी लेक्चर में कंटिन्यू करें कि दूसरा बना लें, चलो हम दूसरा ही लेक्चर बना लेते हैं। चलो जान दो, जैसे उसमें ग्रुप नंबर क्या होता है, पीरियड नंबर क्या होता है, हम लोग इस चीज का डिस्कशन भी आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। ये हम लोग कोई भी एलिमेंट है, कोई भी रैंडम एलिमेंट, अगर वो रैंडम एलिमेंट वाला पार्ट दे रखा तो उस केस में, हर्षवर्धन तुमने आज पहली दिन क्लास किया है ना? हर्षवर्धन यस सर। हाँ, तुमने वो लेक्चर देखा क्या? तुमने वो जो लेक्चर भेजा गया था कि देख लेना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला, वो देखा क्या आपने? नो सर, पूरा नहीं देख पाया, पर वो एफ बाउस प्रिंसिपल, मतलब सारा प्रिंसिपल का लगभग लगभग देख ही गया था सर। ठीक है, आता है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने? चलो यस सर, यस सर। ठीक है, आता तो मेरा काम हो जाएगा। ओके चलो ध्यान दो। तो जैसे हम लोग जब किसी भी एलिमेंट के बारे में डिसाइड करते हैं तो पीरियोडिक टेबल वाले पार्ट में कोई भी एलिमेंट कहाँ पे है, जैसे उसका ग्रुप नंबर कौन सा है, उसका पीरियड नंबर कौन सा है, इन सब चीजों की बात कर सकते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि ऐसा हम लोग पीरियड टेबल वाले पार्ट की बात करें तो रफली इस तरह का डायग्राम होगा पीरियड टेबल वाले पार्ट में। ऐसा कंसिडरेशन ले सकते हैं हम लोग, रफली ऐसा डायग्राम निकल के आता है। तो पहले हम लोग हाइड्रोजन लेते हैं, सामने वाले पार्ट में उधर हीलियम लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ दो लाइन्स होंगे, उसके बाद जो तीसरा लाइन होता है वहां से पीरियोडिक टेबल में ये पार्ट शुरू होता है जिसको हाईलाइट कर रहे हैं, उसको दूसरे कलर से हाईलाइट कर देते हैं। ये जो पार्ट है ब्लू कलर वाला, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, उसके बाद थर्ड लाइन से शुरू होता है, सॉरी थर्ड भी नहीं, फोर्थ लाइन वाले पार्ट से शुरू होता है। फिर उसके नीचे और भी चीजें होती है पीरियोडिक टेबल वाले पार्ट में टोटल। शायद ध्यान होगा तुम लोगों को कि हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 टोटल हम लोग 7 हॉरिजॉन्टल रोज की बात करते हैं, जिस चीज को हम लोग नॉर्मली पीरियड से भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे जो पहला वाला लाइन है इसको हम लोग फर्स्ट पीरियड बोलेंगे, जो दूसरा वाला लाइन है ये सेकंड पीरियड हो जाएगा, तीसरा वाला लाइन थर्ड पीरियड, चौथा वाला लाइन फोर्थ पीरियड, पांचवा फिफ्थ पीरियड, फिर सिक्स पीरियड, और सबसे लास्ट में हम लोग सेवेंथ पीरियड वर्ड आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो 7 तो इधर पीरियड्स हो गए जैसे हम लोग मेंशन कर रहे हैं, उसके अलावा वर्टिकल डायरेक्शन में भी हम लोगों के लाइंस बने होते हैं, उसको भी हम मेंशन कर रहे हैं। एक सेकेंड, इस टाइप से मेंशन कर रहे हैं पर्पल कलर वाले पार्ट से, इस टाइप के कुछ लाइंस होंगे वर्टिकल, और उसमें भी टोटल कितने लाइंस हो सकते हैं इन लाइंस का भी थोड़ा अपने को ध्यान रखना होगा। जिसमें जो वर्टिकल लाइंस वाले पार्ट है वो हाइड्रोजन वाले पार्ट से शुरू होगा 1, फिर उसके बाद 2, और 3 से लेके 12 तक हम लोग आराम से बीच का पार्ट कंसिडर कर सकते हैं। मतलब ये जो ब्लू वाला रीजन मैंने मेंशन किया था, वापस इसको फिर से हाईलाइट कर रहे हैं, इसको हम लोग 3 से लेके 12 तक के ग्रुप नंबर में डाल सकते हैं। मतलब 3 नंबर, 4 नंबर ग्रुप, 5 नंबर ग्रुप, 6 नंबर ग्रुप, 7 8 9 10 11 12, यहाँ तक होगा। फिर उसके आगे जैसे ही अगला पार्ट शुरू होता है उसको ग्रुप नंबर 13 बोलते हैं, फिर उसके बाद ग्रुप नंबर 14 15, फिर उसके बाद 16 और 17, और ये जो हीलियम वाला लाइन है ये ग्रुप नंबर 18 हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो एक तो जैसे आप लोगों के लिए एक सजेशन भी है, हो सकता है शायद आपके पास पीरियोडिक टेबल पहले से होगा, और अगर पीरियोडिक टेबल नहीं है घर पे तो पीरियोडिक टेबल को खरीद ले, एक बड़ा सा आता है मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और जहां भी आप पढ़ाई करते हैं उस टेबल कुर्सी के सामने उसको चिपका के रखें, ताकि बार बार उस चीज पे नजर जाए, बार बार अगर नजर जाएगा तो वो टेबल अपने आप याद हो जाएगा, मतलब आपको अलग से याद नहीं करना पड़ेगा उस पीरियोडिक टेबल वाले पार्ट का। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना। तो खैर हम लोग के पास टोटल 7 पीरियड्स हैं जो नीचे लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं, और टोटल उसके अलावा 18 ग्रुप्स होंगे। तो कोई भी एलिमेंट कौन से पीरियड में है या कौन से ग्रुप में है ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, उस चीज को हम लोग आराम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट को लिख के डिसाइड कर सकते हैं। तो कैसे किसी भी एलिमेंट, कोई भी एक रैंडम एटॉमिक नंबर या फिर रैंडम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कोई भी अगर एक रैंडम वैल्यू दे रखा तो उसका ग्रुप नंबर या पीरियड नंबर अगर हम लोगों को डिसाइड करना है तो उसके डिसीजन के लिए हम लोग आराम से
कुछ पार्ट्स का ध्यान रखते हुए काम कर सकते हैं तो कैलकुलेशन आराम से इजीली हो पाएगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग उस टॉपिक पे आते हैं, हेडिंग भी डाल देना तुम लोग, ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑफ एलिमेंट्स। चलो भाई ध्यान दो, जैसे हम लोग जब ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर की बात करते हैं तो ये चीज तो हम लोग डिस्कशन में करेंगे ही, बट उसके अलावा एक और भी चीज होता है। जैसे ये जो सबसे शुरुआत के दो लाइंस होते हैं जिसको ग्रीन कलर से मार्क कर रहे हैं, केवल शुरुआत के दो लाइंस, मतलब ये पूरा का पूरा वर्टिकल हम लोग वर्टिकल लाइन के हिसाब से ही बात करेंगे। मतलब ऐसा कंसिडर कर सकते हैं यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा जो ग्रीन लाइन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये पूरा पार्ट, इस पूरे के पूरे रीजन को हम लोग नॉर्मली एस ब्लॉक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उस चीज के डिस्कशन पर भी आएंगे हम लोग, बट इस पूरे ग्रीन वाले रीजन को हम लोग एस ब्लॉक आराम से बोल सकते हैं, पहला चीज। दूसरा, यहाँ जो ब्लू वाला पार्ट मेंशन किया, रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप का पार्ट, इस पूरे पार्ट को हम लोग नॉर्मली डी ब्लॉक बोलते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पार्ट को। उसके अलावा जो आगे मान लेते हैं, एक सेकेंड, मान लो ये पिंक वाला कलर लेके चलते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट, इस पूरे पार्ट वाले पार्ट को हम लोग पी ब्लॉक बोलते हैं, जो पिंक कलर से आपको दिख रहा होगा। और उसके अलावा पीरियड टेबल में शायद एक चीज देखा होगा कि इसके नीचे और भी एक छोटा सा पार्ट होता है, उसको हम लोग कौन से कलर से मेंशन करें भाई, चलो पर्पल कलर से मेंशन करते हैं। जस्ट नीचे यहाँ पे एक लंबा सा लाइन और होता है जिसमें एक्चुअल में दो लाइंस होते हैं, मतलब दो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं और टोटल 14 इस तरीके से वर्टिकल कॉलम्स वाले पार्ट होते हैं। इस चीज को हम लोग एफ ब्लॉक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो चीज ऑलमोस्ट सोच के मालूम पड़ सकता है कि एस है, पी है, डी है एंड एफ है। तो एस पी डी एफ जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले रहे थे, एग्जैक्टली उसी टाइप का कुछ रिजेम्बलेंस है, कुछ तो रिलेशन है वहां से। और एक्चुअल में ये जो 6 और 7 आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम किसी दूसरे कलर से हाईलाइट कर देते हैं। ये पार्ट जो ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहे हैं, ये जो पार्ट है 6 और 7 वाला पार्ट, यही पार्ट नीचे एग्जिस्ट करता है। तो एक्चुअल में ये जो ग्रीन वाला पार्ट मैंने बिल्कुल हाईलाइट किया, इसी चीज को एफ ब्लॉक बोला जाता है, लेकिन उस एफ ब्लॉक वाले पार्ट को नीचे अलग से पीरियोडिक टेबल के साइड में नीचे मेंशन किया जाता है हमेशा। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो अपने पीरियोडिक टेबल वाले पार्ट में टोटल 4 ब्लॉक होंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। कोई भी एलिमेंट अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो वो इन चारों में से किसी एक ब्लॉक का पार्ट हो सकता है। मतलब जो भी हम लोगों का पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट है, वो अरेंजमेंट वाला पार्ट कुछ पार्टिकुलर कंसिडरेशंस के ऊपर बेस्ड है, जिससे हम लोग किसी एलिमेंट को एस ब्लॉक का एलिमेंट या पी ब्लॉक का एलिमेंट या डी ब्लॉक का एलिमेंट या एफ ब्लॉक का एलिमेंट आराम से बोल सकते हैं। और इसीलिए हम लोगों को एस पी डी एफ कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट थोड़ा जानना होता है, क्योंकि एस पी डी एफ कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम लोग आराम से इन चीजों को रिलेट कर पाते हैं। करना क्या होता है, उन चीजों पे आते हैं। जैसे मान लो, आई हर्ष अपना माइक्रोफोन ऑफ रखो, चलो ध्यान दो। जैसे अगर मान लो कि हम लोग कॉन्फ़िगरेशन वाइज बात करते हैं किसी एलिमेंट की, मान लो कैल्शियम है, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होगा और इस केस में कॉन्फ़िगरेशन में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और उसके बाद 4s2 का नंबर आता है। मान लो हम लोग बेरिलियम की बात करते हैं, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो उस केस में कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 होना चाहिए। अगर हम लोग मैग्नीशियम की बात करते हैं, तो मैग्नीशियम वाले पार्ट का एटॉमिक नंबर 12 होगा, 1s2 कॉन्फ़िगरेशन, 2s2, 2p6 कंसिडर कर सकते हैं और उसके बाद फिर 3s2। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल वाले पार्ट का ध्यान दें, तो उसमें जो एस ब्लॉक वाले पार्ट का जो सेकेंड लाइन है, उस सेकेंड लाइन वाले पार्ट में सबसे ऊपर बेरिलियम आता है, फिर उसके नीचे मैग्नीशियम आता है, फिर उसके नीचे कैल्शियम आता है और भी एलिमेंट्स होते हैं, उसको भी मेंशन नहीं कर रहा है। लेकिन एक चीज देख के मालूम पड़ रहा है कि ये सारे के सारे पार्ट एस ब्लॉक के सेकंड वाले लाइन में है। मतलब एस ब्लॉक के ऊपर मेंशन किया मैंने कि दो लाइन्स हैं यहाँ पे, तो जो सेकंड लाइन है वो सारे के सारे एलिमेंट्स
यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं हम लोग बेरिलियम मैग्नीशियम और कैल्शियम, और भी दो तीन एलिमेंट्स हैं उसको अभी मेंशन नहीं कर रहा है। पहला चीज तो ये कि सारे एलिमेंट्स एक लाइन में हैं, और दूसरा सारे के सारे एलिमेंट्स वाले पार्ट जो सेकेंड लाइन है उसी के अंदर है। तो एक चीज देख सकते हैं हम लोग का अंदर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है ये मैटर नहीं कर रहा, लेकिन सबसे लास्ट वाले पार्ट को अगर कंसिडर करें तो 4s2 दिख रहा है, फिर उसके बाद सेकंड वाले केस में सबसे लास्ट वाले पार्ट को कंसिडर करें तो 2s2 दिख रहा, थर्ड वाले केस में भी सबसे लास्ट वाले पार्ट को कंसिडर करें तो 3s2 दिख रहा। मतलब हर जगह पे हम लोग के पास s2 दिख रहा था, तो इसका मतलब जो s वाला पार्ट है उसके हम लोग सेकेंड वाले ग्रुप की बात कर रहे थे। तो इसीलिए इन सारे को, जितने भी s2 कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट्स है, इन सारे को एक लाइन में डाल दिया गया, पहला चीज। दूसरा एक और चीज देखो, सबसे पहला लाइन तो हाइड्रोजन वाले पार्ट का था, हाइड्रोजन के नीचे लिथियम आता है, उसके बाद सामने बेरिलियम आता है, फिर उसके नीचे मैग्नीशियम, उसके नीचे कैल्शियम। तो ये जो लिथियम और बेरिलियम है ये सेकेंड लाइन में है, जबकि मैग्नीशियम वाला पार्ट थर्ड लाइन में और कैल्शियम वाला पार्ट फोर्थ लाइन में, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। तो जो हम लोग का बेरिलियम था, उस बेरिलियम वाले पार्ट में जो सबसे लास्ट वाला पार्ट था उसमें देखो 2H2 दे रखा, 2S2। उसके अलावा जो हम लोग का कैल्शियम वाला पार्ट था वहां पे 4 दे रखा है, जो हम लोग का मैग्नीशियम था वहां पे 3 दे रखा। तो बेरिलियम में 2 है, मैग्नीशियम में 3 है, और कैल्शियम वाले पार्ट में 4 है। तो रिलेशन दिख रहा होगा कि बेरिलियम वाला पार्ट सेकेंड लाइन में था, फिर उसके बाद मैग्नीशियम वाला पार्ट थर्ड लाइन में आया, और कैल्शियम वाला पार्ट फोर्थ लाइन में आया। तो इसको देख के ये चीज बोल सकते हैं कि सबसे आउटर मोस्ट पार्ट में, सबसे आउटर मोस्ट शेल में, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक टर्म यूज भी किया था, वैलेंस शेल, हम लोगों के वैलेंस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसके हिसाब से हम लोग ब्लॉक नंबर, ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर आराम से डिसाइड कर सकते हैं। पीरियड नंबर डिसाइड करने के लिए जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है वो अपने लिए मैटर करेगा। तो यहाँ पे 4 है, मैग्नीशियम वाले पार्ट में 3 है, बेरिलियम वाले पार्ट में 2 दे रखा वैल्यू। तो बेरिलियम सेकंड पीरियड का एलिमेंट हो गया, कैल्शियम फोर्थ पीरियड का एलिमेंट हो गया, मैग्नीशियम थर्ड पीरियड का एलिमेंट हो गया। ये तो पहला चीज हो गया। जब ब्लॉक की बात करेंगे तो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां गया, तो पहले वाले केस में 4s2 था, मतलब s में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया, तो s ब्लॉक हो गया। मैग्नीशियम वाले पार्ट में 3s2 था, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन s में गया, तो इस केस में भी s ब्लॉक हो गया। अगर कहीं पे लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जाता तो p ब्लॉक का एलिमेंट हो जाता। फिर जब ग्रुप नंबर की बात करेंगे, तो ग्रुप नंबर डिसाइड करते वक्त हम लोग ये देखते हैं कि कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, और कौन से ब्लॉक के एलिमेंट में, वैलेंस शेल में या फिर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे अगर s ब्लॉक है तो s ब्लॉक के केस में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे s में वही अपना ग्रुप नंबर होगा। जैसे एक एग्जांपल कंसिडर करें, अगर सोडियम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर वाला पार्ट 11 होता है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 दे रखा। तो यहाँ पे जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है वो 3s1 निकल के आ गया। तो इस केस में सबसे आउटर मोस्ट वाला पार्ट 3 था, इसका मतलब थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो लिथियम के जस्ट नीचे सोडियम आता है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट, पहला चीज हो गया। दूसरा, s ब्लॉक का एलिमेंट है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन s में गया, तो s ब्लॉक का एलिमेंट है, तो आराम से s ब्लॉक में इसको अरेंज किया हुआ है। उसके बाद s ब्लॉक वाले पार्ट में होते हुए यहाँ पे s में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो s ब्लॉक के केस में जितने इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में होते हैं, सबसे वैलेंस s ऑर्बिटल में, सबसे बाहर वाले s ऑर्बिटल में, वही उसका ग्रुप नंबर हो जाता है। तो जब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था तो ग्रुप नंबर 1 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन वाला पार्ट ग्रुप नंबर 1 था, उसी के जस्ट नीचे लिथियम ग्रुप नंबर 1, और सोडियम वाला पार्ट भी ग्रुप नंबर 1 आराम से कंसिडर कर सकते हैं। जब बेरिलियम था तो यहाँ पे 2 था, मतलब ग्रुप नंबर 2 हो गया। मैग्नीशियम में भी 2 था, ग्रुप नंबर 2 हो गया। और अगर कैल्शियम लेते तो भी 4s में 2 ही इलेक्ट्रॉन था, तो ग्रुप नंबर 2 हो गया। तो आराम से ऐसा हम लोग कंसिडरेशन जनरली भी हर एक पार्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब उस चीज को हम एक एक करके पॉइंट वाइज नोट कराते चले जा रहे हैं। पॉइंट नोट करना शुरू करो। पहला, ब्लॉक ऑफ एलिमेंट नोट करते जाओ। ब्लॉक ऑफ एलिमेंट इट इज बेस्ड ऑन
इट इज बेस्ड ऑन द ऑर्बिटल सबशेल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबशेल इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन goes into, in which the last electron goes into. हम लोगों का last electron जिस subshell में जाएगा, जैसे 4s में गया तो s block element, 4p में जाता है तो p block element, 6p में जाता तो p block element, अगर 4f में जाता तो f block element, the last electron जिस orbital में डालेंगे वहां से हम लोग आराम से अपना ब्लॉक नंबर मेंशन कर सकते हैं, फिर ब्लॉक कौन से टाइप का एस है कि पी है कि डी है कि एफ है, वो चीज आराम से डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट, पहले पीरियड नंबर की बात कर लेते हैं हम लोग। हम लोग के पास टोटल 7 पीरियड्स हैं, तो जो एलिमेंट है वो कौन से पीरियड में एग्जिस्ट कर रहा, तो उसके लिए हम लोग पीरियड नंबर वाला पार्ट मेंशन कर सकते हैं। पॉइंट नोट कर लो पीरियड नंबर डाल के। It is the valence or outermost shell, in which the electron is filled. या प्रेजेंट भी बोल सकते हैं हम लोग, जिस जब हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे कॉन्फ़िगरेशन में, तो उस फिलिंग के टाइम पे सबसे आउटर मोस्ट शेल जो निकल के आएगा उस चीज को हम लोग आराम से पीरियड नंबर वाले पार्ट के लिए कंसीडर कर सकते हैं। अगर शेल नंबर 7 आया तो 7 पीरियड नंबर आएगा, अगर शेल नंबर 6 आया तो 6 पीरियड बोल सकते हैं। इस टाइप से हम लोग आराम से पीरियड नंबर डिसाइड कर सकते हैं। थर्ड पार्ट, ग्रुप नंबर, टोटल 18 ग्रुप्स हैं। वैसे इसको लिखने का दो तरीका था, पहले रोमन लेटर में भी दिया जाता था 1A, 2A, 3A, 3B इस टाइप से मेंशन किया जाता, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, उसके अलावा 3A, 3B, 3A, ये क्या बोलते हैं 3C इस टाइप से मेंशन किया जाता था, बट वो कन्वेंशन हम लोग अब यूज नहीं करते। हम लोग सीधा ग्रुप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से लेकर के 18 तक यूज करते हैं। मतलब हम लोग के पास 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, उसको हम लोग सीधा ग्रुप बोल सकते हैं, और हम लोग उसको भी नाम से जानते हैं। जैसे एस ब्लॉक जो है, सबसे पहला जो लाइन होता है हाइड्रोजन के नीचे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस चीज को हम लोग अल्कली मेटल्स बोलते हैं। जो दूसरा लाइन होता है उसको हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। जो बोरोन वाला लाइन होता है उसको हम लोग बोरोन फैमिली बोलते हैं। जो फ्लोइन वाला लाइन होता है उसको हम लोग इन जनरल हेलोजेंस बोलते हैं। जो ऑक्सीजन वाला पार्ट होता है उस चीज को हम लोग इन जनरल कैल्कोजेंस बोलते हैं, बट कैल्कोजेन बहुत जनरल टर्म नहीं है, उसको ऑक्सीजन फैमिली ही बोलते हैं हम लोग। नाइट्रोजन वाले पार्ट को भी नाइट्रोजन फैमिली बोला जाता है, मतलब नाइट्रोजन के नीचे वाला लाइन नाइट्रोजन फैमिली हो गया, बट उसको निकोजेन भी एक नाम से बुलाया जाता है। तो वो चीजें हम लोग बाद में आराम से डिस्कस करेंगे डिटेल में जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तब। अभी के लिए जो ग्रुप नंबर 1 से 18 है वो हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं, तो उसके लिए डिपेंड करेगा हम लोग का ब्लॉक क्या है। जैसे अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो एस ब्लॉक के एलिमेंट के केस में ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस एस इलेक्ट्रॉन। सबसे आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल में या सबसे लास्ट एस ऑर्बिटल वाले पार्ट में जितने इलेक्ट्रॉन है उससे हम लोग आराम से एस ब्लॉक वाले पार्ट के एलिमेंट का ग्रुप नंबर निकाल सकते हैं। अगर एस में एक इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 1, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 2 बोला जा सकता है। अगर हम लोग डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक वाले पार्ट में जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तब भी मालूम पड़ जाएगा, अभी के लिए ऐसा कंसीडर बस कर लेना। अभी के लिए फैक्ट ध्यान में रखो, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 2 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस डी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो भी डी के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसमें बस 2 ऐड कर देना, वहां से ग्रुप नंबर आराम से निकल के आ जाएगा। सिमिलर टाइप से जब हम लोग पी ब्लॉक की बात करेंगे तो पी ब्लॉक वाले पार्ट में ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 12 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस पी इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज करेंगे,
मतलब बस 2 के जगह पे 12 वाला पार्ट आ गया, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। और एक्चुअल में एफ ब्लॉक में ज्यादा टेंशन नहीं है। अगर एलिमेंट एफ ब्लॉक का है तो उसका ग्रुप नंबर हमेशा फिक्स है 3। इस एक पॉइंट का ध्यान रखना, ये पीरियोडिक टेबल में अभी जस्ट डिस्कस किया था कि जो एफ ब्लॉक है वो ग्रीन वाले रीजन में है, ये जो ग्रीन रीजन तुम लोग को दिख रहा है इस रीजन में हम लोग कंसिडर करते हैं। फिर से उसको हम हाईलाइट कर रहे हैं किसी दूसरे कलर से, मान लो रेड कलर से कर दिया उसको पिंक वाले कलर से, ये जो पिंक वाला कलर है इस चीज को हम लोग एफ ब्लॉक बोलते हैं। तो ये थर्ड लाइन में दिख रहा है, उसके बाद तो इस पूरे ब्लॉक को ही अलग से बना दिया गया, तो इसीलिए एफ ब्लॉक का जो ग्रुप नंबर है वो हमेशा फिक्स्ड थर्ड मान लिया गया है कि सारे एलिमेंट थर्ड ब्लॉक के मतलब थर्ड पीरियड के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। और एक्चुअल में इस चीज को पीरियोडिक टेबल का एक लिमिटेशन भी कंसिडर किया जाता है कि पीरियोडिक टेबल वाले पार्ट में एफ ब्लॉक का कोई पोजिशन नहीं है या फिर एफ ब्लॉक का कोई अलग से अरेंजमेंट उसमें मतलब ग्रुप के फॉर्म में नहीं दिया गया है, उसको एक ही पीरियड के अंदर डाल करके खत्म मतलब सॉरी एक ही ग्रुप के अंदर डाल करके खत्म कर दिया गया है। तो लिमिटेशन थोड़ा कंसिडर किया जा सकता है इस चीज को, बट हम लोगों को लिमिटेशन का डिस्कशन नहीं करना है, हम लोगों को बस ये पर्सपेक्टिव देखना है कि एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा तो उसका ग्रुप नंबर क्या होगा। तो एफ ब्लॉक में फिक्स्ड है ग्रुप नंबर 3, जब भी एफ ब्लॉक एलिमेंट सीधा ग्रुप नंबर 3 बोल देंगे, बाकी केसेस को थोड़ा हम लोग याद रख के चलेंगे। नोट कर लो, नोट कर लिया था, आगे बढ़े। चलो भाई ध्यान दो, जैसे कुछ एग्जांपल्स का डिस्कशन कर रहे हैं, पहले कुछ छोटे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग थोड़े बड़े बड़े एटॉमिक नंबर वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नोट करना, फाइंड द ब्लॉक पीरियड नंबर या पीरियड एंड ग्रुप नंबर of the elements with the following atomic number. With the following atomic number. जो एटॉमिक नंबर बोलेंगे उन एलिमेंट्स का हम नाम भी मेंशन कर देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट नाम की भी एक्चुअल में जरूरत नहीं है, ठीक है, उस चीज को हम लोग देख लेंगे कैसे कर सकते हैं, बट उसका एटॉमिक नंबर हम लोग को चाहिए होगा, तो इसलिए हम एटॉमिक नंबर वाला पार्ट मेंशन करते चले जाएंगे। जैसे कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स की बात करते पहले पहले तो मान लो हम लोग बेरिलियम का एग्जाम्पल दे चुके, मान लो लिथियम की बात करते हैं, इसको ट्राई करके देखो, जो जो क्वेश्चन दे रहे हैं पहले खुद से ट्राई करके देखो, उसके आगे आएंगे हम लोग। फ्लोरीन ट्राई करके देखो, लिथियम का एटॉमिक नंबर हम बताएंगे नहीं, ये तुमको याद होना चाहिए, फ्लोरीन का भी याद होना चाहिए। फिर उसके बाद नाइट्रोजन भी कंसिडर कर सकते हैं, फिर उसके बाद सोडियम तो मैंने मेंशन कर दिया, सोडियम के अलावा मैग्नीशियम हो गया, सल्फर ले सकते हैं, फिर उसके बाद आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर याद है जी तुम लोगों को?
आवाज आ रही है सबको? थोड़ा नेट डिस्कनेक्ट हो गया, पता नहीं क्या हो गया। हेलो, आवाज आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, तो ये जो 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं, इन क्वेश्चन को ट्राई करो। और आयरन का एटॉमिक नंबर मालूम है सबको? 26। बढ़िया, ट्राई करके देखो। सर एक कुछ छोटे एलिमेंट्स हैं, इनको ट्राई करके देखो, फिर बाकी बड़े बड़े एलिमेंट्स को कंसिडर करेंगे। नीचे वाले दोनों एलिमेंट्स को मिटा रहे हैं, हम साइड में लिख दे रहे हैं, जिंक और आर्गन। फिर उसके बाद एलिमेंट लिया जाए, एजी ले सकते हैं, एटॉमिक नंबर 47 होना चाहिए। उसके बाद प्लैटिनम ले सकते हैं, जो हमको ध्यान है, एटॉमिक नंबर 78 होना चाहिए। और कोई एलिमेंट आयोडीन ले सकते हैं, एटॉमिक नंबर 53 होना चाहिए। बड़े बड़े एटॉमिक नंबर में इन तीन पार्ट को ट्राई करके देखें, 9, 10, 11। बाकी हम लोग फिर आगे डिस्कशन में थोड़ा एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे, तरीका बताएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जिसका इसका आंसर आते जाएगा अपना हाथ रेज करते जाना भाई, हम भी ग्रुप नंबर पीरियड नंबर बताएंगे, बट अपना हाथ रेज करते जाना। आंसर के लिए तो मैंने जगह ही नहीं छोड़ा है, ठीक है।
फटाफट सॉल्व करते जाओ, कॉन्फ़िगरेशन लिखो और ग्लेड करते जाओ। विशाल सर, बना किसी का जल्दी क्वेश्चन नंबर वन और टू में कोई डाउट है तो पूछ लो। बताओ क्वेश्चन नंबर वन एंड टू में कोई डाउट है तो। एस ब्लॉक सेकंड पीरियड ग्रुप नंबर सॉरी हाँ ग्रुप नंबर वन, एस ब्लॉक सेकंड पीरियड ग्रुप नंबर 17। ओके बढ़िया। थर्ड और फोर्थ में कोई डाउट? जल्दी बताओ थर्ड और फोर्थ में कोई डाउट? सर सेकंड में ग्रुप नंबर 17 कैसे हुआ? ग्रुप नंबर 17 कैसे हुआ? चलो ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर टू में फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p5 ले सकते हैं। तो जो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी ब्लॉक में गया, तो पहला चीज तो पी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, ठीक है। दूसरा, सबसे वैलेंस शेल में वैल्यू 2 है, इसका मतलब सेकेंड पीरियड का एलिमेंट हो जाएगा। और ऊपर अभी मेंशन किया तुमको, अगर पी ब्लॉक एलिमेंट है तो ग्रुप नंबर 12 प्लस नंबर ऑफ पी वैलेंस पी इलेक्ट्रॉन्स, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे या फिर वैलेंस पी इलेक्ट्रॉन कितने थे? 5। तो 12 प्लस 5 मतलब 17 कंसीडर कर सकते हैं? यस सर। चलो ओके। 3 और 4 में अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। तो सल्फर का 4 होना चाहिए, पता नहीं सल्फर का क्या 4 ग्रुप नंबर तो पीरियड नंबर सॉरी पीरियड नंबर चलो देख लेते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 16। तो 1s2, 2s2, 2p6,
3s 2 3p 4 तो वैलेंस शेल क्या है यहाँ पे n इक्वल टू 3 सॉरी सर सॉरी ठीक है ओके फिर उसके बाद आयरन वाले पार्ट को अगर कंसीडर करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट है ये वैल्यू हमको याद है इसलिए हम डायरेक्टली बोल पा रहे हैं फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है और ग्रुप नंबर हम लोग आराम से इसका 8 कंसीडर कर सकते हैं 6 हाँ ठीक है 8 होना चाहिए ग्रुप नंबर कॉपर वाले पार्ट की बात करें तो फिर से डी ब्लॉक एलिमेंट है और इसका पीरियड नंबर वाला पार्ट फिर से 4th होगा और ग्रुप नंबर वाला पार्ट 11 होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में अगर कोई डाउट है तो पूछ लो बोलो भाई 5 और 6 नंबर में अगर कोई डाउट है तो कॉपर में 11th होगा ग्रुप उसका हाँ होना तो चाहिए 11th चलो ध्यान दो कॉपर वाले पार्ट की अगर बात करें तो बताओ भाई श्रितेज एटॉमिक नंबर कितना So 29 तो 29 है तो आर्गन तक तो वैसे ही लिख देता हूँ पूरा कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख रहा है मतलब भी नहीं अपने को उसके बाद लास्ट क्लास में बताया था एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d 11 वाला पार्ट कंसीडर करके चल रहे हैं तो हम लोग सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिल किए थे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट हम लोग डी में फिल किए थे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ हम लोग फिल करते हैं वहां से हम लोग का ब्लॉक निकल के आता है इसका मतलब डी ब्लॉक का एलिमेंट है पहला चीज दूसरा सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ ये वैलेंस शेल वाला पार्ट जिसे यहाँ पे लिखा गया मैंने पीरियड नंबर वाले पार्ट में आउटर मोस्ट शेल लास्ट क्लास में वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट शेल का मतलब बताया था सबसे हाईएस्ट एन के वैल्यू की बात कर रहे हैं हम लोग या सबसे हाईएस्ट ये जो भी ऑर्बिटल्स के आगे जो नंबर लिखा रहता है 3, 4 इसकी बात कर रहे हैं हम लोग तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे 4 है मतलब वैलेंस शेल वाला पार्ट यहाँ पे हम लोग 4 कंसिडर करेंगे तो सबसे आउटर मोस्ट शेल 4 है भले ही लास्ट इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने डी में फिल किया है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम लोग आराम से ब्लॉक निकालेंगे बट जो वैलेंस शेल है वो अपना 4 वाला पार्ट है इसका मतलब पीरियड नंबर वाला पार्ट हम लोग आराम से 4th कंसिडर कर सकते हैं फिर उसके बाद अगर डी ब्लॉक एलिमेंट है सॉरी 3d11 नहीं सॉरी 3d9 सॉरी 3d10 9 भी नहीं 10 क्या लिख रहे हैं भैया उधर हम लोगों ने जो लिखा है 2+d इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट वो एक्चुअल में 4s2 के वजह से लिखते हैं ठीक है इसको चेंज कर लेना यहाँ वाले पार्ट में हम लोग का जो कन्फिग्रेशन है वो भले ही d10 है तो 2+10 का मतलब 12 होना चाहिए लेकिन यहाँ पे 4s में जो हम लोग का एटॉमिक नंबर वाला पार्ट था उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट में थोड़ा वेरिएशन है मतलब 29 में और क्रोमियम वाले पार्ट में वेरिएशन है तो 4s1 की वजह से हम लोग 2+10 नहीं करेंगे आराम से 1+10 करके काम करेंगे तो जैसे वहाँ पे 2+10 जो था सॉरी 2+d इलेक्ट्रॉन था वो एक्चुअल में 4s2 के बेसिस पे आया था तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन थे तो 2+ किया फिर उसके बाद जब हम लोग डी ब्लॉक की बात करते हैं तो 4s2 के बाद हम लोग 3d10 तक की बात कर सकते हैं तो ये टोटल मिला करके 12 होता है वैल्यू इसके बाद फिर पूरा पी ब्लॉक शुरू होता है तो 12+p इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हम लोग आराम से पी ब्लॉक वाले एलिमेंट से ग्रुप निकालते हैं तो ठीक है पी ब्लॉक में तो ऐसा एक्सेप्शन नहीं आएगा लेकिन डी ब्लॉक में एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन है कॉपर का तो इसमें ध्यान रखना हम लोग 2+10 नहीं करेंगे अगर 4s1 है तो हम लोग आराम से 1+10 मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं ठीक है इस चीज को ध्यान रखना थोड़ा कॉपर वाले पार्ट में ग्रुप नंबर वाला पार्ट हम लोग का 11 निकल के आएगा क्वेश्चन नंबर 5-6 तक में और कोई डाउट चलो भाई अगर 5-6 में डाउट नहीं है तो हम लोग जिंक वाले पार्ट की बात करते हैं जिंक वाले पार्ट में जो ब्लॉक है वो तो डी ही रहेगा पीरियड नंबर वाला पार्ट 4th ही होता है और ग्रुप नंबर वाला पार्ट 12 निकल के आता है जिंक सबसे लास्ट एलिमेंट होता है पहले वाले लाइन में डी ब्लॉक का
फिर आर्गन की अगर बात करें तो आर्गन वाला पार्ट पी ब्लॉक का एलिमेंट है, नोबल गैसेस सारे पी ब्लॉक में जाते हैं। ग्रुप नंबर वाले पार्ट की बात करें तो सॉरी पीरियड नंबर थर्ड होना चाहिए और ग्रुप नंबर नोबल गैस का 18 होगा, P3 18 ऐसा कुछ वैल्यू आना चाहिए। 7 and 8 में अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। 7 नंबर 8 नंबर में अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है। कॉपर में एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है तो सिल्वर में भी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होगा। एक काम करो, 9th नंबर वाले पार्ट को अभी के लिए छोड़ सकते हैं, इसका भी कॉन्फ़िगरेशनल एक्चुअल में एक्सेप्शनल होता है, इस क्वेश्चन को अभी के लिए छोड़ देना, हम थोड़ा ध्यान नहीं रखे थे, हमको जो एलिमेंट याद था उसी के हिसाब से दिए। बाकी है ये डी ब्लॉक एलिमेंट, 4th की जगह पे 5th पीरियड का एलिमेंट होगा और कॉपर के जस्ट नीचे आता है, मतलब इसका भी ग्रुप नंबर हम लोग 11th लिख के चलेंगे। और जैसे कॉपर वाले पार्ट में एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है तो नीचे भी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आराम से निकल के आता ही आता है, बट अभी के लिए सवाल को छोड़ देना। प्लेटिनम और आयोडीन कंसिडर करो, बाकी क्योंकि एटॉमिक नंबर काफी हाईर है तो इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल्स में कैसे थोड़े जल्दी काम करना है उस चीज को मेंशन करेंगे अभी के लिए, थोड़ा इसमें एटॉमिक नंबर वाला पार्ट हाईर है। और वैसे एक्चुअल में एक बेसिक से थी इसलिए मैं इस चीज को बता रहा हूँ तुमको, बाद में टाइम के साथ तुमको बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे डायरेक्टली भी कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है कौन से पीरियड का एलिमेंट है ये चीज निकालना आ जाएगा। कुछ हाइयर एलिमेंट्स के लिए हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, एटोमिक नंबर के हिसाब से हम लोग ग्रुप नंबर पीरियड नंबर कैसे निकालते हैं। जैसे प्लेटिनम है तो डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, निकल पैलेडियम प्लेटिनम मतलब ग्रुप नंबर 4, 5, 6 होना चाहिए। निकल वाला पार्ट फेरस कोबाल्ट निकल कॉपर मतलब ग्रुप नंबर 10 का एलिमेंट होगा। तो हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि मेरे को पीरियोडिक टेबल का थोड़ा बहुत आइडिया है तो हम लोग उसके हिसाब से चीजें रिलेट कर रहे हैं। तुम्हारा आंसर कैसा आएगा उसको अभी मेंशन करेंगे बट हम डायरेक्टली आंसर लिख पा रहे हैं। तुमको भी ये चीज सीखना है टाइम के साथ, बट अभी मत सीखना, टाइम के साथ समझ में आ जाएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, खुद से भी एक्सप्लेन कर देंगे इस चीज को। जो आयोडीन वाला पार्ट है वो पी ब्लॉक एलिमेंट है, पहला चीज ग्रुप नंबर उसका 17 होगा क्योंकि हैलोजन फैमिली का मेंबर है और पीरियड नंबर वाला पार्ट भी इसका 6 होना चाहिए। 2 fluorine chlorine bromine iodine 2 3 4 5 पीरियड नंबर वाला पार्ट उसका 5 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सॉल्व हुआ किसी से? ठीक कर ही रहे हैं अभी तक। टेन हो गया था बढ़िया, बहुत मेहनत से लिखा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कजिन तक कर लिख लिए, उसके बाद फिर आगे उसका मैच कराते गए। ओके ठीक है, चलो भी ध्यान दो, बाकी सब लोग भी ध्यान दो। जैसे हम मान के चल रहे हैं, अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि हम लोग का एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन कहीं वर्क नहीं कर रहा, हम अजम्पशन लेकर के चल रहे हैं ठीक है। तो अगर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन वर्क नहीं कर रहा तो जब भी कभी एटॉमिक नंबर 40 या उससे हाइयर होगा तो 1s2, 2s2, 3s2 ये सब मत लिखना, बहुत बड़ा गलती होगा, उसमें बहुत टाइम खराब होगा। जब भी कभी एटॉमिक नंबर 40 या उससे प्लस होना शुरू हो जाए तो उस केस में सीधा जो डायग्राम बनाए थे अब प्रिंसिपल का 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, फिर उसके बाद 4s, 4p, 4d, 4F, ये डायग्राम वाला पार्ट मेंशन करना। और जो इसको मेंशन भी करेंगे तो उसमें एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे 5S, 6S, 7S, 4P के बाद 5P, 6P, उसके बाद 4, 3, 5D,
5F उसके नीचे 6D कंसिडर कर सकते हैं। जैसे डायग्राम हम लोग मेंशन करेंगे तो मेंशन करते वक्त सब में इलेक्ट्रॉन फिल मत करना कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, ये काम मत करना। करना क्या है, उस चीज को मेंशन कर रहे हैं। पहले हम एक बार समझाएंगे फिर उसके बाद उस चीज को अलग से वापस से लिखेंगे। जैसे एक चीज मालूम है हम लोगों को, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो पहले लाइन में मैक्सिमम बस 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है। फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब सेकंड लाइन में टोटल हम लोग आराम से 8 इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर सकते हैं मैक्सिमम। फिर उसके बाद थर्ड वाले लाइन में 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल 18 इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर सकते हैं। तो एक चीज देख के तुमको मालूम पड़ रहा है, 2 के बाद 8 है, 8 के बाद 18 है, 18 के बाद कौन सा नंबर आता है बताओ, बताओ भी को जल्दी। 36 32 हाय प्रिया, आवाज आ रही है? Yes, sir. इसको पता ही नहीं चल रहा क्या चल रहा है, हम सवाल पूछे है कुछ। सर हम नहीं बोले, हम 32 बोले। अच्छा 32 हम बोले नहीं, नहीं हम म्यूट, हम अनम्यूट नहीं किए थे तो इसलिए तो तुमसे पूछ रहे हैं हम। 32 होता है ना। हाँ. चलो ठीक है बढ़िया। तो जैसे हम लोग हर एक में इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करेंगे, ठीक है, थोड़ा तुमको इसमें कैलकुलेशंस का ध्यान रखना होगा। जैसे मान लो मेरा एटॉमिक नंबर 78 था तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम 1s 2s 2 2p 6 ऐसा बार बार क्यों फिल करें। हम ऐसा करते हैं, पहले लाइन में मालूम है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32, पांचवें में भी 32 ही होता है। बस ध्यान एक चीज का रखना है कि अगर हम लोग मान लो ये थर्ड वाला लाइन फिल कर रहे हैं तो थर्ड लाइन में 18 इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग फिल करेंगे तो आपको ऑर्डर तो मालूम होगा कि हम लोग इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। इसका मतलब यह है कि 3D में जब तक हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन डालेंगे उससे पहले ही हम लोग को नीचे 4s वाले पार्ट में 2 इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा। तो इसका मतलब 18 इलेक्ट्रॉन भरने से पहले नीचे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहेगा। ये चीज थोड़ा अपने कॉन्सेप्ट में रखते हुए चलना होगा। जैसे मान लो चौथे वाले लाइन में हम लोग 32 इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो 32 इलेक्ट्रॉन्स तो होगा लेकिन यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन भरने से पहले, मतलब जब तक हम लोग मान लो 4p में 6 इलेक्ट्रॉन डाले, 4d में 10 इलेक्ट्रॉन डाले, 4f में 14 इलेक्ट्रॉन डाले, तो इस केस में जब हम लोग 4f में 14 इलेक्ट्रॉन डाल रहे होंगे तो उस केस में यहाँ इलेक्ट्रॉन डालने से पहले, क्योंकि हम लोग एरो जस्ट शुरू ही किया है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डालने से पहले हम लोगों का ये जो पार्ट है जिसको हम रेड कलर से मार्क कर रहे हैं, ये जो पार्ट है इसमें पहले ही हम लोग को इलेक्ट्रॉन फिल करना पड़ेगा। मतलब 4f में 14 इलेक्ट्रॉन भरने से पहले 5s में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 5p में 6 इलेक्ट्रॉन होगा और 6s में भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तब जाके हम लोग ऊपर 4f में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो इन सब चीजों को दिमाग में रखते हुए एक काम करना होगा। कैसे करेंगे कैलकुलेशन उस चीज पे आते हैं। जैसे मान लो 78 है तो 78 में इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना लिखा, सीधा डायग्राम बनाए, पहले लाइन में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे लाइन में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे लाइन में 18 इलेक्ट्रॉन, तो ये टोटल मिला के कितने हो गए, 2 प्लस 8 प्लस 18 कितने हो गए, जल्दी बता भी, टोटल 28 हुआ होगा सबसे पहला कंसंट्रेशन, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग 28 में 32 को ऐड किए तो टोटल कितना हो गया, तो 28 प्लस 32 मतलब 60 हो जाना चाहिए। तो एक चीज देख के मालूम पड़ रहा है कि अगर हम लोग ये 4f वाला पार्ट कम्प्लीटली भी फिल कर दे तो हम लोग के पास 60 ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है। हम लोग को जाना कहाँ पे है, 78 वाले पार्ट पे। तो इसका मतलब अभी हम लोगों को और भी 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने थे। तो हम लोग अगर इस 4f को कम्प्लीटली भी फिल कर दें और उससे पहले फिर हम लोग 5s में 2 इलेक्ट्रॉन, एक सेकेंड इसको ग्रीन पेन से लिख दे रहा हूँ वापस से, 5s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दे, 5p में 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दे और 6s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दे, तो भी हम लोग के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, तो ये जो लाइन था 32 वाला इसको मिला के 60 हुए इलेक्ट्रॉन और नीचे 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 प्लस 2 इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया तो टोटल 70 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बट अभी भी हम लोग के पास 8 इलेक्ट्रॉन फिल करना बाकी है। टोटल 78 में मैंने 70 इलेक्ट्रॉन्स तो फिल कर दिया, अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन फिल करना बाकी है। तो 4f के बाद एरो में नंबर 5d वाले पार्ट का आता है, तो हम लोग को अगर इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो d वाले पार्ट में ही फिल करना होगा। अगर d वाले पार्ट में फिल कर रहे होंगे
तो इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है वो हम लोग डी में फिल कर सकते हैं, तो यहाँ से 5d 8 वाला पार्ट आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हम लोग डी में फिल किए, और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में फिल किए तो डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, पहला चीज। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे थे तो जो अपना सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ शेल आया वो 6 नंबर आया, जिसको नीचे ब्लू कलर से मार्क कर रहा है। सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल किया वो 6 नंबर वाला पार्ट, तो इसका मतलब हम लोग का पीरियड नंबर वाला पार्ट 6 के बराबर होगा, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। और जब ग्रुप नंबर की बात करेंगे तो ग्रुप नंबर में हम लोगों ने मान के चला है कि हम लोग एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन की बात नहीं कर रहे, जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट में आराम से 2+ कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट में एटम, सॉरी डी वाले पार्ट में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब हम लोग 10 कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं, ये अपना ग्रुप नंबर निकल के आएगा। फिर से हम इस चीज को रिपीट कर रहे हैं, जो भी हायर एटॉमिक नंबर होगा उसको कंसिडर करते वक्त पूरा कॉन्फ़िगरेशन मत लिखना। जैसे मान लो हम कोई भी रैंडम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, कोई भी एक रैंडम एलिमेंट वाला पार्ट कंसीडर करके चल सकते हैं, जैसे कोई ऐसा एटॉमिक नंबर हमको ध्यान हो, चलो हम ये ले लेते हैं, क्या बोलते हैं, सीरियम ले सकते हैं, नहीं बिस्मत, चलो बिस्मत ले लेते हैं, हमको ध्यान है नाइट्रोजन फैमिली वाले पार्ट में रहेगा, उसे ग्रुप नंबर पीरियड नंबर हमको ध्यान है, ठीक है। बिस्मत का एटॉमिक नंबर वाला पार्ट 83 होता है, अगर हम इस चीज को कंसिडर करें तो फिर से दिख रहा है कि एटॉमिक नंबर बहुत हायर है। अगर एटॉमिक नंबर हायर है तो इस केस में हम लोग इस हायर एटॉमिक नंबर वाले पार्ट के लिए 1s2 2s2 इस टाइप से नहीं लिखेंगे, सीधा डायग्राम बनाएंगे, तो 1s 2s 2p उसके बाद 3s 3p 3d उसके बाद 4s 5s फिर उसके बाद 6s और उसके आगे वाले पार्ट में 4p 5p 6p फिर उसके बाद 4d 4f और उसके नीचे 5d 5f लिखने की जरूरत वैसे पड़ेगी नहीं, बट फिर भी लिख लेते हैं, ऐसा कंसिडरेशन हम लोग लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। अब करना क्या है, तो सबसे पहला पार्ट 83 इलेक्ट्रॉन फिल करना है अपने को, तो पहले लाइन में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे लाइन में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरे लाइन में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, चौथे लाइन में 32 इलेक्ट्रॉन होगा। तो जब एटॉमिक नंबर 83 है तो मालूम पड़ जाएगा, बार बार इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो पता चल जाएगा बेसिकली कि हम लोग जब सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को ऐड कर भी लेते हैं, ये सारे शेल वाले पार्ट ऐड कर लेते हैं, तो टोटल 60 ही हुआ, अभी भी हम लोग का एटॉमिक नंबर वाला पार्ट 83 थोड़ा हायर है। मान लो एक काम करते हैं, ये चौथे वाले लाइन की जगह अगर हम लोग पांचवें वाले लाइन को भी कंसिडर कर लेते 32, तो फिर टोटल 92 हो जाता वैल्यू, तो 92 जो वैल्यू है वो अपने 83 से एक्सीड कर गया। तो इस तरह के केस में जो सबसे बाहर वाले पार्ट को कंसिडर किया था उसको नेगलेक्ट कर देना, उसको कंसिडर मत करना, उतने तक के ही शेल को कंसिडर करना जितने तक में हम लोग का इलेक्ट्रॉन थोड़ा कम निकल के आ रहा हो। जैसे अगर हम लोग का एटॉमिक नंबर 83 है तो हम लोग जो फिफ्थ वाला शेल है उसको कंसिडर करके नहीं चलेंगे, क्योंकि हम लोग का एटॉमिक नंबर वहां से 92 निकल के आ जा रहा है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद अब करना क्या है, तो एक चीज मालूम पड़ गया कि अगर हम लोग ये फोर्थ लाइन के 32 को कंसिडर कर रहे हैं, मतलब बाय डिफॉल्ट मान के चल रहे हैं कि 4f में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर 4f में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसके भरने से पहले हम लोगों का ये तीन पार्ट बिल्कुल फिल होना ही चाहिए, इसके फिल किए बिना हम लोग काम नहीं कर सकते। मतलब 5s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5p में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और 6s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बिल्कुल होना ही चाहिए, बिल्कुल मस्ट कंडीशन है। तो अगर मान लो कि 4f में 14 इलेक्ट्रॉन है, तो उससे पहले अगर ये ग्रीन वाला जो पार्ट है अगर ये फिल रहता तो टोटल 6, 4, 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब 60+10 70 इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट अपना कवर हो चुका। बट जाना कहाँ पे अपने एटॉमिक नंबर में, 83 पे जाना है, 13 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो अब अगर 13 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो 4f के बाद अगला नंबर आएगा 5d वाले पार्ट का, 5d में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डाल सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं 13, तो 10 डाल देते हैं, तो इससे तो काम नहीं हो पाया। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन बचे रह गए, तो 5d के बाद अगला नंबर आएगा 6p वाले पार्ट का, 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। तो एक चीज मालूम पड़ गया कि सबसे लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो 6p में गया, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन 6p में गया तो पहले तो ब्लॉक निकल के आ गया p ब्लॉक, सबसे पहला चीज। दूसरा, अगर हम लोग पीरियड नंबर की बात करें तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n, सबसे वैलेंस शेल कौन सा है, तो 6 वाला पार्ट ही अपना वैलेंस शेल है, इससे हायर वैल्यू नहीं आया, तो इसका मतलब पीरियड नंबर वाला पार्ट
6 कंसिडर कर सकते हैं. और अगर ग्रुप नंबर की बात करें तो p ब्लॉक के केस में ग्रुप नंबर हम लोग 12 प्लस p इलेक्ट्रॉन मतलब 12 प्लस 3 मतलब ग्रुप नंबर 15 को आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं. तो यहाँ से एक चीज हम बता दे रहे हैं, जैसे हमको क्या याद है इसमें रख नाइट्रोजन वाला पार्ट. हर्षवर्धन अपना माइक्रोफोन, हर्षवर्धन हाँ ठीक है. जैसे नाइट्रोजन के नीचे अगर हम लोग एलिमेंट की बात करते हैं तो फास्फोरस वाले पार्ट का नंबर आता है, फास्फोरस वाले पार्ट के नीचे आर्सेनिक का नंबर आता है, आर्सेनिक के नीचे एंटीमनी वाले पार्ट का नंबर होता है, फिर उसके बाद बिस्मिथ का नंबर आता है. तो नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 15 में है और सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है. तो सेकेंड के बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो अभी निकल के आया था पीरियड नंबर 6, मतलब ये तो ठीक है. नाइट्रोजन फैमिली का पार्ट है मतलब पी ब्लॉक का पार्ट होगा, ये भी ठीक है. और नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर 15 होता है तो उसी के लाइन में एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ग्रुप नंबर भी एग्जैक्टली ठीक है. और हम लोग पीरियोडिक टेबल को फैमिली वाइज ही याद करते हैं. जैसे हम भी याद करेंगे तो नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इस तरीके से ही हम भी चीजों को याद करते हैं. तुमको भी ऐसे ही याद करना है और दूसरे तरीके से याद करने की कोशिश मत करना, ताकि याद रखना थोड़ा हम लोग के लिए आसान हो जाए. अगर किसी को फिर से ये चीज सुनना है कि सर ये चीज कैसे हुआ एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, तो हम एक्सप्लेन कर देंगे, और नहीं तो फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देंगे. अगर सब लोगों को समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन क्लियर पर डिस्कशन करते हैं. किसी को कोई डाउट है इस मेथड में तो पूछ लो. सर एफ ब्लॉक में क्या करना है, इसको कोई डाउट है? ये एफ ब्लॉक में क्या करना होता है ये ग्रुप नंबर निकालने के लिए? एफ ब्लॉक में, हां सर भूल गए, एक बार कंफ्यूज हो गए, नोट नहीं कर पाए थे रियली में. तो नोट नहीं किया तो बोल दिया करना कि सर नोट करने दीजिए, एक बार स्क्रीन ऊपर कर दीजिए. अगर नोट नहीं कर पाए तो बोल दिया करना कि नोट कर ले आराम से, कोई दिक्कत नहीं है. वैसे हम ये नोट भेज भी देंगे पीडीएफ में, बट नोट करते रहना अपने कॉपी में, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कोई दिक्कत ना हो. ठीक है, एफ ब्लॉक में ग्रुप नंबर 3. और किसी को इस मेथड में अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, जिसको भी डाउट पूछ सकता है. चलो अगर डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन ट्राई करके देखो. क्वेश्चन में कौन सा एलिमेंट लिया जाए? चलो ये ट्राई करके देखो, मरकरी वाला पार्ट, एटॉमिक नंबर 80 होता है. उसके अलावा फ्रांसियम वाला पार्ट ले सकते हैं, एटॉमिक नंबर वाला पार्ट 87 होता है. और टंगस्टन लिया जा सकता है, डब्ल्यू, ठीक है टंगस्टन छोड़ो, यूरेनियम ले सकते हैं, एटॉमिक नंबर वाला पार्ट 92 होता है. ट्राई करके तो तीन एलिमेंट्स जैसा बताया उस तरीके से ट्राई करना. आईपैड का ही बैटरी डाउन ही है, चलो ठीक है हम लोग देखते हैं कब तक क्लास ले सकते हैं. बढ़िया विषय बन गया तीनों. हाँ सर ओके.
पहले वाले केस में तो मेरे हिसाब से आंसर डी ब्लॉक है, लोगों को ध्यान दिया एक्चुअल में जिंक एडमिनिजी, मतलब पीरियड नंबर वाला पार्ट 4, 5, 6 आएगा, और उसके बाद ग्रुप नंबर वाले पार्ट की बात करेंगे तो ग्रुप नंबर 12 आना चाहिए जिंक एडमिनिजी, ग्रुप के हिसाब से बता दे रहे हैं। पीरियड टेबल जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम के साथ याद हो गई चीज़ अपने आप याद हो जाएगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस बेसिक था इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं, बाकी हम लोग पीरियड टेबल को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वैसे भी तुम लोग के लिए मैंने सोच रखा है, तुम लोग का जैसे ही 10th क्लास का सिलेबस कंप्लीट होगा तो 11th क्लास का टॉपिक शुरू हो जाएगा, जैसे जो आर बैच है एग्जैक्टली सेम टाइप से तुम लोग का सिलेबस भी थोड़ा आगे चलेगा। अच्छा हाँ, एक चीज शायद विशाल सर ने तुम लोगों से बात की थी ना, अपना ऑडियो अनम्यूट कर लो सब लोग। तुम लोगों का क्लास हम लोग सोच रहे हैं ऑनलाइन फॉर्मेट में ही चलाने का ताकि तुम लोगों का टाइम बचे। शुभम ऑडियो अनम्यूट कर लो। तो क्लासेस लोग ऑनलाइन फॉर्मेट में ही लेने का सोच रहे हैं क्योंकि इसमें टाइम बच रहा है, आने जाने का टाइम भी बच रहा है और काफी फास्टली काम हो पा रहा है। तो एक चीज है इसमें, हम लोग नहीं चाहेंगे कि पूरे टाइम स्क्रीन देखते रहो तुम लोग, तो जो क्वेश्चन वगैरह सबका पार्ट होगा, जो बुकलेट वगैरह सब चीजें होंगी वो सब हम लोग प्रिंट आउट करके दे दिया करेंगे अपने हिसाब से, ताकि बुकलेट वगैरह जब सॉल्व करना हो तो आराम से पेपर में काम करें, कोई दिक्कत ना हो। लेकिन क्लासेस ऑनलाइन फॉर्मेट में लेंगे तो कितने लोगों को लगता है कि ये फॉर्मेट अच्छा है? जैसे प्रिया बताओ भाई, ये फॉर्मेट कैसा लग रहा है तुमको क्लास का? सर फॉर्मेट तो ठीक है अभी, पर अभी क्लास जैसे स्कूल का भी हो रहा तो बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर अगर स्कूल खुल जाएगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ तो वो तो यार स्कूल के हिसाब से तो चीजें अगर करेंगे तो फिर अलग है, बट स्कूल अगर नहीं चल रहा हो, मान लो हम लोग जो नॉर्मल कोचिंग में क्लासेस करते हैं उस ऑफलाइन की जगह हम लोग तुम लोग ऑनलाइन क्लासेस लगाए, तब क्या ऑप्शन सही रहेगा? हाँ सर चलेगा मेरे लिए। ओके दीक्षा सर बेटर है, मेरा 2 hours वेस्ट हो जाता आने जाने में। ओके शुभम हाँ सर हमको कोई भी चलेगा। बढ़िया सनी हाँ सर अच्छा है। ठीक है क्षितिज सर बस प्रॉपर इंटरेक्शन और ये मतलब नॉर्मल जो क्लास रहता है उसमें प्रॉपर इंटरेक्शन लगता है हमको जो नॉर्मल हम लोग करते हैं उसका हम लोग उपाय सोच रहे हैं। जैसे एक्चुअल में हम लोग आईपैड में क्लासेस ले रहे हैं इसलिए चीज नहीं कर पा रहे, बट जो होता है ना फ्रंट कैमरा होता है, तो जैसे हम लोग ये चीज सोच रहे हैं जैसे लॉकडाउन खत्म होगा तो हम लोग ये कंप्यूटर के स्क्रीन के थ्रू और डिजिटल पैड के थ्रू क्लासेस ले लेंगे, तो उसमें छोटा सा कैमरा लगा हुआ रहेगा तो शक्ल दिखता रहेगा, तो उससे इंटरेक्शन हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। बाकी इसका उपाय एक ये है कि हम लोग नॉर्मली क्लासेस तो करेंगे बट उसके अलावा तुम लोग हर 2 वीक में या 1 वीक में एक क्लास तो हम लोग सेंटर पर रखेंगे जहाँ पे इंटरेक्शन वगैरह होता रहे हम लोग का, और उसमें कुछ असाइनमेंट सॉल्विंग है तो वहीं पे कर लिया ऑन द स्पॉट, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें हम लोग डिस्कशन कर लिए कॉपी में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें वो सब चीजें देखते चले गए। बट क्योंकि ये फॉर्मेट हम लोग का सिलेबस काफी तेजी से आराम से आगे बढ़ेगा तो इसलिए हम ये चीज को प्रिफर कर रहे हैं, और ये भी है कि हम लोग कभी भी क्लासेस लगा सकते हैं, मतलब ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं हो कि 8 बजे तक ही क्लासेस लगाना है। अगर हमको एक्स्ट्रा क्लास करना है, मान लो कि हम 8 बजे तक क्लास लगाने की जगह पर हम सोच रहे कि 8:30 बजे तक क्लास लगा दें, 9 बजे तक पढ़ाने का मेरा मन कर गया, डिपेंड करता है मेरे मूड के ऊपर कि तुम्हारा क्लास 6:30 बजे से शुरू हुआ और 8 बजे तक है लेकिन हमको लगा कि नहीं आज मजा आ रहा है पढ़ाई करने में, तुम लोग को मजा आ रहा है तो 8 बजे की जगह पर 9:30 बजे तक पढ़ाएंगे, तो उस तरह का फाउंडेशन ऑफलाइन कोचिंग में रहता है कि हम लोग क्लासेस एक्सटेंड नहीं कर पाते, बिल्कुल टाइम पे हम लोग को ब्रेक देना ही पड़ता है। कभी कभी होता है ना कोई टॉपिक पढ़ा रहा है तो उसको लंबा हम लोग को पढ़ाना है बट ब्रेक देना पड़ रहा है क्योंकि टाइम नहीं है। इंट्रैक्शन के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा होता है अन इंट्रैक्टिव, उसके लिए हम लोग कुछ उपाय निकालेंगे, बीच में किसी ने हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बकवास करेंगे और क्या, पढ़ाई नहीं करेंगे बकवास ही करेंगे, तो सब इंट्रैक्शन हो जाएगा। अब बाकी है कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो आपको दिक्कत नहीं है, आपका काम वही है आपकी कॉपी में सारी चीजें होनी चाहिए, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए तो हम लोग का क्लास आराम से कंडक्ट किया जा सकता है, आपका टाइम सेव होना चाहिए। देखो भाई अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं टाइम सेव करके क्वेश्चन सॉल्व करो, वही चीज 2 साल के बाद मैटर करेगा। जैसे अरविंद है तो अरविंद क्वेश्चन सॉल्व करता है, हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करता है, वो अभी भी विशाल सर को क्वेश्चन भेजता है मैथ्स का, तो कुछ ज्योमेट्री वगैरह का सवाल होता है अच्छा अच्छा जो प्रैक्टिस करते रहता है अपना अलग से ओलंपियाड के लिए, तो वो सब सवाल ये विशाल सर को भेजते रहता है, विशाल सर ही बोले कि ज्योमेट्री का सवाल होगा तो हमको भेज देना, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है इसलिए उसका एनटीएस में इतना अच्छा स्कोर आया है। ऐसा नहीं कि पढ़ने में बहुत तेज है और ऐसा है और वैसा है, आपके पढ़ने में तेज होने से बहुत ज्यादा चीजें मैटर नहीं करेंगी, 10th में आप अच्छा नंबर ले आएंगे लेकिन 11th-12th में नहीं होता ऐसा, और स्पेशली कॉम्पिटिशन में आपको रेगुलरसली बहुत क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, जितना सेल्फ स्टडी करो उतना बेटर, मतलब बेटर होगा। हम तुमको बस एक डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा पढ़ लो ऐसा पढ़ लो ऐसा पढ़ लो,
बट एक्चुअल में और उससे ज्यादा हमको कुछ करना नहीं है, मेरा काम है डायरेक्शन देने का, बाकी करना तो खुद ही से होगा। ठीक है चलो भाई डिस्कशन करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं लॉकडाउन खत्म होने के बाद कैसे कर सकते हैं हम लोग इस चीज को, बट कुछ ऑनलाइन क्लासेस कुछ ऑफलाइन क्लासेस ताकि हम लोग का सिलेबस भी थोड़ा तेजी से निकले तो कोई दिक्कत ना हो, ऐसा हम लोग कंसिडर कर लेंगे। अगर हम लोग फ्रांसियम को कंसिडर करें तो फ्रांसियम तो है एस ब्लॉक का एलिमेंट, और एस ब्लॉक में भी ग्रुप नंबर वन का एलिमेंट है, और पीरियड नंबर वाले पार्ट में लिथियम सेकेंड हो गया, सोडियम पोटेशियम 3-4 वाला पार्ट हो गया, और उसके बाद रुबिडियम सीजियम, फ्रांसियम 7 नंबर आना चाहिए भाई फ्रांसियम वाले पार्ट में। और अगर यूरेनियम को कंसिडर करें तो एक बार खुद से ट्राई करके देखना यूरेनियम में क्या आंसर आना चाहिए। चलो ध्यान दो, उसको ट्राई करके देखो, एक बार ट्राई करके देखो, अगर आंसर आ रहा है तो डिस्कशन भी कर लेंगे हम लोग। अगर सबका आंसर आ गया होगा तो हम लोग डिसीजन कर लेते हैं, यूरेनियम वाला पार्ट एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, सॉरी एफ ब्लॉक वाले पार्ट का एलिमेंट है, और इस केस में जो ग्रुप नंबर है वो तो बिल्कुल फिक्स्ड है कि ग्रुप नंबर हम लोग थर्ड ही रखेंगे, उसमें सोचने की जरूरत नहीं है, और जो पीरियड नंबर वाला पार्ट होगा वो हम लोग आराम से 7th कंसिडर कर सकते हैं, पीरियड नंबर 7, ग्रुप नंबर 3 और एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा। अगर इन तीनों क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं। तो लास्ट वाले में क्या रहा है? तो लास्ट वाले में नहीं समझ आया मेरे को। ये ग्रुप नंबर ये सब 92. कुछ मतलब सारा कुछ नहीं समझ में आया ना। चलो ठीक है, पीरियड नंबर ये सर। ओके ठीक है, चलो ध्यान दो। जैसे अगर हम लोग वो डायग्राम लिखे 1s, एक सेकंड, अगर वो डायग्राम कंसिडर करे 1s, 2s, 2p, फिर उसके बाद 3s, 4s, 5s, फिर उसके बाद 6s और 7s ले सकते हैं, फिर 2p की जगह पे 3p, फिर 3d, फिर 4p, 5p, उसके आगे वाले पार्ट में 4d, 4f, उसके आगे 5d, 5f और 6p, 6d अपने काम का नहीं है बट देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो 2, 8, 18, 32 ऐसा कंसिडर कर लिए तो टोटल मिलाकर कितना हो गया अपने पास 60। अब उसके बाद अगर 32 वापस से ऐड करेंगे तो 32 ऐड करने का मतलब हम लोग सीधा 92 पे चले जा रहे हैं, 92 पे सीधा नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ 32 कंसिडर करने का मतलब है कि 5s में 2 इलेक्ट्रॉन भर चुका है, 5p में 6 इलेक्ट्रॉन भर चुका है, 5d में 10 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं और 5f में 14 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के फिलिंग का ऑर्डर इस टाइप का होता है, जो ऑर्डर के फॉर्म में ही मेंशन करते जा रहे हैं हम, तो इसका मतलब यह है कि जो 5d है उसके भरने से पहले हम लोग के पास ये जो रेड कलर से ऑर्बिटल मार्क कर रहा है ये 6s ये भरा होना चाहिए, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, या उसके बाद 5f वाले पार्ट में ये 14 इलेक्ट्रॉन भरने से पहले ये 6s, 6p और 7s ये सारा कुछ भरा होना चाहिए, तभी तो जाकर के हम लोग 7s के बाद ये 5p के नंबर में आ सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लोग यहाँ 32 कंसिडर करें जिससे 92 डायरेक्टली आ जाएगा, तो उसका मतलब हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 5f कम्प्लीटली फिल्ड है, बट जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो 5f में इलेक्ट्रॉन डालने से पहले ये 3 पार्ट भरे होने चाहिए अपने, जो हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे थे। तो एक काम कर सकते हैं, दूसरा डायरेक्शन एक और भी हम देंगे, अभी के लिए सिंपल तरीके से ऐसा करते हैं कि हम लोग ये 32 छोड़ देते हैं, इसको अभी कंसिडर नहीं करेंगे ताकि गलती ना हो अपना, 60 तक ही कंसिडर करते हैं। ठीक है,
साठ तक कंसिडर करने का मतलब है कि यहाँ तक का पूरा पार्ट अपना फील्ड है, ऐसा मान के चल रहे थे हम लोग, जिसको व्हाइट कलर से मेंशन किया है, ठीक है। नीचे वाले पार्ट को भी हम मिटा रहे हैं, फिर उसके बाद वापस से समझाएंगे उस चीज को। हाँ चलो ध्यान दो, जैसे यहाँ पे एक चीज कंसिडर कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग का ये साठ तक के पार्ट में यहाँ तक का पूरा पार्ट फील्ड है, बट इसको फिल करने से पहले मतलब 4F में 14 इलेक्ट्रॉन डालने से पहले हम लोगों का 5S में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 5P में 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और 6S में भी 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब 6S के बाद हम लोग आराम से 4F वाले पार्ट का नंबर कंसिडर करते हुए काम कर सकते थे। तो चलो ठीक है भाई, इन तीनों को भी ऐड कर लेते हैं, इन तीनों को ऐड करने में कोई बुराई नहीं है। तो 60 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 मतलब 70 इलेक्ट्रॉन, तो 70 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब उसके बाद हम लोगों को टोटल 92 एटॉमिक नंबर पे जाना है, मतलब 22 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना है। तो 4F के बाद अगला नंबर 5D का आएगा, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो जब 10 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल किए तो 70 प्लस 10 मतलब 80 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अभी भी 12 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो 6P वाले पार्ट में 6 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो भी 6 इलेक्ट्रॉन बचा रह गया। तो 7S में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो टोटल मिला के अभी 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर चुके। तो 6 + 2 = 8, इसका मतलब टोटल अभी तक 88 इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके हैं। अब इसके बाद क्या करें, तो 7s वाले पार्ट का फिर 5f में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे हम लोग। तो 5f में इलेक्ट्रॉन भरने का मतलब है 4 ही तो इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसमें भर सकते हैं। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो उसके इसमें 92 हो गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन f में गया, तो हम लोग आराम से f ब्लॉक का एलिमेंट कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ तक का पार्ट समझ में आया कि इसमें भी दिक्कत है? प्रिया, यस सर, यहाँ तक का पार्ट समझ में आ गया? यहाँ तक आ गया। चलो ठीक है, तो F ब्लॉक का एलिमेंट आ गया, तो एक चीज फिक्स है, F ब्लॉक का ग्रुप नंबर हमेशा 3 होगा, तो इसमें तो सोचना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद 5F में भले ही हम लोगों ने 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हैं, यहाँ साइड में लिखा हुआ है 4, भले ही 4 इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने ये पार्ट और ये पार्ट भी तो फिल कर रखा है। इसका मतलब सबसे आउटर मोस्ट शेल जो हम लोगों ने फिल कर रखा है वो 7s2 है। तो सबसे आउटर मोस्ट शेल या जो वैलेंस शेल है वो 7 वाला पार्ट है, इसका मतलब हम लोग आराम से पीरियड नंबर वाला पार्ट 7 कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं, ठीक है। और इसको एक और तरीके से कंसिडर कर सकते थे, जैसे कंफ्यूजन ये हो सकता था कि सर हम लोग 32 ऐड किए तो एटॉमिक नंबर तो ज्यादा हो गया, तो एक और काम कर सकते हैं, वो भी इसी डायग्राम में मेंशन कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना। जैसे ठीक है, माना कि हम लोग इलेक्ट्रॉन में 32 ऐड करेंगे तो हम लोग का वैल्यू थोड़ा आगे निकल जाएगा, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ऐड तो करेंगे फिर उसके बाद सबसे बाहर वाले से इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे, तो भी मेरे हिसाब से काम में कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। कैसे हटाएंगे उस चीज की बात करते हैं। जैसे मान लो अगर हम लोग उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को भी हटा के चले, तो ऐसा कंसिडरेशन ले सकते हैं, एरो तो हम बना दे रहे हैं सबका, सबका एरो वाला पार्ट बना हुआ है पहले से, इस टाइप से एरो होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें जैसे अगर मान लो कि हम लोग 32 कंसिडर करते हुए चलते हैं पहले से ही, तो चलो ठीक है 32 वाला पार्ट हम लोग इन्वॉल्व करके चल लेते हैं, तो टोटल 62 + 32 मतलब 92 हो जा रहा है। बट अगर अपना एटॉमिक नंबर 92 है और हम लोग के 32 के एडिशन से एटॉमिक नंबर 92 पे पहुंच गया, तो उसमें बस ध्यान ये रखना है कि 32 वाले पार्ट को ऐड करने का मतलब है कि हम लोग 5s में 2 इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर रहे थे, 5p में 6 इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर रहे थे, 5d में 10 इलेक्ट्रॉन और 5s में भी 14 इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर रहे थे। बट प्रॉब्लम ये है कि 5s में इलेक्ट्रॉन फिल होने से पहले अपना 6s, 6p और 7s भरा होना चाहिए। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो 92 था वो रहने दो, उसमें से यहाँ 5f के 14 इलेक्ट्रॉन हटा दो। तो जब 92 में से 14 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, तो उस केस में ये भी कर सकते थे कि 14 इलेक्ट्रॉन हटाने से अच्छा है कि हम लोग जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हटाएंगे उतना इलेक्ट्रॉन हम लोग 6s, 6p और 7s में डालते चले जाते हैं। तो जैसे अगर यहाँ पे हम लोग 6s में 2 इलेक्ट्रॉन डाले, तो 5f में से 2 इलेक्ट्रॉन हटा के 12 कंसिडर कर लेते हैं। फिर 6p वाले पार्ट में अगर हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन डाले, तो 12 में से 6 इलेक्ट्रॉन हटा करके हम लोग वापस से 6 बचा हुआ इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर लेते हैं। और 7s में जब 2 इलेक्ट्रॉन डाले, तो फिर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस करके यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर सकते हैं। इसका मतलब
जितना इलेक्ट्रॉन हम लोग गलती से 32 के एडिशन के वजह से इस 5f में कंसिडर कर रहे थे उसको हम लोग एडजस्ट कर लिए। ये 5f से पहले तो भाई ये तीन ऑर्बिटल भरा होना चाहिए था, तो 5f में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया उसको हम लोग 6s, 6p और 7s में एडजस्ट कर देते हैं। अगर उस एडजस्टमेंट के टाइम पे भी ये प्रॉब्लम होता कि इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते, जैसे मान लो 5s में 8 इलेक्ट्रॉन होता मान लेते हैं, तो अब क्या करते? तो सबसे पहले तो इस ऑर्डर का ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल कर रहे हैं, मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो पहले 6s का नंबर आएगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन को जब एडजस्ट करना है तो उससे पहले 6s में 2 इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए, तो 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दिए, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन बच गया। फिर उसके बाद अगला नंबर 6s के बाद 6p का आएगा, तब जाके 7s का नंबर आता है, और 6p में 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते थे मैक्सिमम। तो जब हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा अपने पास, इसका मतलब 5f का ये 8वां इलेक्ट्रॉन एडजस्ट भी हो गया और 7s में अभी तक इलेक्ट्रॉन नहीं आया, सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? 6p वाले पार्ट में। तो जब हम लोग एटॉमिक नंबर को साइड में ऐड करते हैं, 2 के साथ 8 को ऐड किया, 18 को ऐड किया, 32 को ऐड किया, तो अगर अपना एटॉमिक नंबर इस एडेड वैल्यू के बराबर, मतलब 60 के बराबर या 92 के बराबर या फिर इक्विवेलेंटली सेम आएगा, सिमिलर टाइप आएगा, नियर बाय आएगा, मतलब 5-6 यूनिट्स का डिफरेंस या 10 यूनिट का डिफरेंस आएगा, तो आइदर उस रो को छोड़ देना, उससे पहले वाले रो से काउंटिंग करना, या फिर उस रो वाले पार्ट को अगर कंसिडर करना है तो एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि सबसे बाहर वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन हटाते जाएंगे और मतलब जो सबसे लास्ट वाला जो सबसे लो होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन हटा देंगे और उसको उसके पहले जो जो ऑर्बिटल्स में फिल करना था उसमें एडजस्ट करते जाएंगे। बट ये दूसरा मेथड ज्यादा मुश्किल है, मतलब ज्यादा दिमाग खराब करने वाला है, इतना ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं होता, एक रो छोड़ के काम कर लो सीधा, तो ज्यादा आसानी से सवाल हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, ज्यादा तेजी से सवाल सॉल्व कर पाएंगे। बाकी यह है कि इसकी जरूरत नहीं है, अगर आपको वर्टिकली पीरियोडिक टेबल वाला पार्ट याद है, हमेशा पीरियोडिक टेबल वर्टिकली याद रखते हैं हम लोग, मतलब ग्रुप वाइज याद रखते हैं, ग्रुप नंबर 1 के सारे एलिमेंट, ग्रुप नंबर 2 के सारे एलिमेंट, तो अगर वर्टिकली याद है तो ग्रुप नंबर निकालना, पीरियड नंबर निकालना, ब्लॉक निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं होगा, वो अपने आप से प्रैक्टिस में आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही क्लास रखते हैं। अब तुम लोगों को ग्रुप नंबर पीरियड नंबर निकालना आ गया, तो नेक्स्ट क्लास से अब हम लोग मेन टॉपिक पर जाएंगे, जहां पे हम लोग टर्म यूज करेंगे वैलेंसी क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आराम से मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं इस चीज का थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, या फिर हम लोग वैलेंसी क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फिर उसके बाद पीरियोडिक टेबल का जो प्रॉपर्टी है, रेडियस कैसे कंपेयर कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे कंपेयर कर सकते हैं, इन सब चीजों का थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और अगर नहीं भी करना होगा डिस्कशन तो हम एक छोटा सा बस फैक्ट तुमको मेंशन कर देंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये सीरीज अभी याद रखो, वहां से मॉलिक्यूल का शेप क्या होता है, फिर मॉलिक्यूल का लेविस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, वो चैप्टर नंबर 4 में दे रखा, तो उस चीज में जाएंगे। और जैसे ही उस चीज का डिस्कशन कर लेंगे हम लोग, तो फिर तुम्हारा जो सबसे पहला टॉपिक रिडॉक्स वाला पार्ट था उसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग आराम से एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाले पार्ट में जाएंगे, वहां पे कुछ टर्म्स होते हैं कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस, उस चीज का हम लोग आराम से डिस्कशन करना शुरू कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, आज के लिए क्लास इतना ही। ठीक है, कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं। बोला भाई, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलो, अगर डाउट नहीं है तो हम लोग क्लास एंड कर रहे हैं। अच्छा, तुम में से टेलीग्राम पे कौन कौन है?